हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिखा का पिटारा। फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं जन्माष्टमी में कैसे झांकी बनाती हूँ, जन्माष्टमी का डेकोरेशन मैं कैसे करती हूँ। तो होप मेरे इस वीडियो से आप लोगों को जन्माष्टमी की तैयारी करने में कुछ आइडिया मिले। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और ऑल कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का आईडी है शिखा का पिटारा और इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो पूतना बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए एक डॉल। यहाँ पे मैंने बार्बी डॉल का यूज़ किया है। अगर आपके घर पे कोई पुरानी डॉल है तो आप उसे भी पूतना बना सकते हैं। मेरे घर पे कोई पुरानी डॉल नहीं थी, इसीलिए मैंने ये डॉल परचेज़ किया है मार्केट से। तो मैंने जब मार्केट से इसे परचेज़ किया तो मैंने ब्राउन कलर का इसे परचेज़ किया है। ये बाल भी ब्राउनिश है तो अच्छे से पूतना वाला लुक आ सके और इसके हाथ पैर मुंडी सब चीज़ हिलते हैं। तो चलिए अब हम इसके बॉडी को पेंट करते हैं पूतना बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसके कपड़े को हटा के इसके पूरे बॉडी पे पेंट लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसके सर को रिमूव कर दिया है, इसके बॉडी से सर को हटा दिया है। तो पहले हम इसके बॉडी को पेंट कर लेंगे, बाद में सर को पेंट करेंगे इसके। तो यहाँ पे मैंने पूतना को हमें ग्रे कलर का पेंट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो कलर लिए हैं, पहला ब्लैक और दूसरा वाइट, और इन दोनों कलर को मिला के हम ग्रे कलर बनाएंगे। तो मैंने पहले से ब्लैक कलर इस पैलेट में डाल रखा है और अब मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा वाइट कलर। और वाइट कलर मिलाने के बाद हमें इस दोनों पेंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद मैं चेक कर लूँगी कि जो ग्रे कलर आया है वो परफेक्ट लगेगा कि नहीं इस पूतना के लिए। तो ये कलर परफेक्ट है। तो अब चलिए फटाफट से इसके बॉडी को पेंट करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने एक्रेलिक पेंट का यूज़ किया है, आप चाहें तो फैब्रिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। एक्रेलिक पेंट करने से एक फ़ायदा ये है कि आप जब चाहें इस पेंट को आसानी से हटा सकते हैं। या तो आप नेल पॉलिश रिमूवर लगा के इसे हटा सकते हैं या फिर आप इसे कोई भी सोप लगा के ईजिली हटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पूतना के बॉडी को ग्रे कलर का अच्छे से पेंट कर दिया है। तो अब चलिए हम पूतना के फेस को पेंट करते हैं। उसके पहले मैंने यहाँ पे नेल पॉलिश रिमूवर लगा के इसके आँख में जो पेंट था उसे हटा दिया है, क्योंकि हमें पूतना की आँखें बड़ी बड़ी बनानी है। तो उसके लिए मैंने इसकी आँखें जो पहले से बनी हुई थी इसे अच्छे से रिमूव कर दिया है। और अब चलिए फटाफट से इसके फेस को पेंट करते हैं। और इसके बाल को मैं एज इट इज़ ही छोड़ दूंगी। अगर आपके डॉल के बाल ग्रे कलर के हैं तो आप उस पर ब्राउन या ब्लैक कलर का पेंट कर सकते हैं। तो अब मैं इसके फेस को अच्छे से ग्रे कलर से पेंट कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके फेस को अच्छे से ग्रे कलर से पेंट कर दिया है। अब मैं 5 मिनट के लिए इसे सूखने के लिए रख दूँगी और तब तक हम इसके बॉडी पे कुछ डिटेलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके नाखूनों को और इसके पैर में रेड कलर का पेंट लगाऊंगी ताकि इसके नाखून रेड कलर के बड़े बड़े दिख सके। तो यहाँ पे भी मैंने एक्रेलिक पेंट का यूज़ किया है। तो जब तक पूतना के बॉडी का पेंट सूखता है तब तक हम इसके फेस पे अच्छे से डिटेलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके होंठ को बनाऊंगी। मैं इसके होंठ थोड़े बड़े बनाऊंगी क्योंकि मुझे इसके दांत बनाने हैं, तो उसके लिए मुझे इसके होंठ बड़े बनाने पड़ेंगे। तो देखिए मैंने पूतना के होंठ को पेंट कर लिया है। अब चलते हैं इसकी आँख बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाइट कलर का पेंट लगा दिया है इनके उसके दोनों आँखों में। इसके बाद मैं लूँगी जेल पेन और इससे इसके आँखों पे डिटेलिंग करूँगी। तो अब मैं लूँगी जेल पेन और मैंने जो इसके आँखों पे वाइट कलर का पेंट लगाया था जेल पेन से उसकी आउटलाइन कर दूंगी और साथ ही मैं इसकी आईब्रो भी बनाऊंगी इसी जेल पेन से। मैं इसके आईब्रो को थोड़ा सा मोटा बनाऊंगी ताकि लग सके कि ये कोई राक्षसनी का फेस है, इसके मोटे मोटे आईब्रोज हैं। तो अब मैं ब्लैक कलर के पेंट से इसकी पुतली बनाऊंगी और इसकी जो पुतली मैं बनाऊंगी वो थोड़े से बड़े साइज़ के बनाऊंगी। तो अभी ये डॉल देखने से पूतना नहीं लग रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसके दांतों को बनाऊंगी ये ऑटोमेटिकली पूतना या भूत का फेस लगने लगेगा। तो यहाँ पे मैं इसके दांत बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं वाइट कलर का पेंट यूज़ करूँगी। और देखिए जैसे मैंने इसके दांतों को पेंट किया है ये थोड़ा सा भूत वाला लुक आने लगा है इसके फेस पे। तो चलिए अब मैं इसकी बड़ी सी बिंदी बना देती हूँ रेड कलर के पेंट से। तो मैंने जो ब्लैक कलर की पुतली बनाई थी उसके बीच में मैंने रेड कलर का एक डॉट दे दिया है, तो ऐसा लग रहा है मानो इसके आंखों में जैसे खून हो। और साइड में मैंने वाइट कलर और रेड कलर से थोड़ी सी डिटेलिंग कर दी है इसके फेस पे। तो ये देखने से एकदम अब राक्षसनी लग रही है। यहाँ पे देखिए मैंने दो लकड़ी के टुकड़े लिए हैं छोटे छोटे, आप चाहे तो टूथपिक को तोड़ के भी ले सकते हैं एकदम छोटे साइज़ के। और मैंने इसे रेड कलर का पेंट कर दिया है और अब इससे मैं पूतना के बड़े बड़े दांत बनाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा फेविकॉल लगा के इसमें लकड़ी में और इसे मैं साइड साइड में चिपका दूँगी। तो देखिए एकदम लग रहा है ना कि जैसे राक्षसनी के बड़े बड़े दांत निकले हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके सर को इसके बॉडी में लगा दिया है और इसके हाथों पे थोड़ी सी डिटेलिंग कर दी है मैंने। इसके पैरों पे भी थोड़े से डिटेलिंग कर दिए हैं वाइट कलर के पेंट से। यहाँ पे मैं इसे एक मोती की माला पहना दूंगी और इसके सर पे मैं, ये पुरानी राखी है तो इसके सर पे मैं इस तरह से बांध दूंगी। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है बांधने से। तो इसके सर पे मैं ऐसे रख के इसके बांध दूंगी और इसके बालों को देखिए मैंने थोड़ा सा फैला दिया है और इस मैंने जो राखी बांधी थी उस पर एक फेदर लगा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी पूतना तैयार है। और अब चलिए मैं आपको कृष्ण जी को दिखाती हूँ। तो देखिए ये रहे हमारे छोटे से कन्हैया। तो ये भी मैंने डॉल का ही बनाया है। कन्हैया को मैंने छोटी सी एक डॉल खरीदी थी और उस पर नीले रंग का पेंट कर दिया है। इसके बालों को पेंट कर दिया है मैंने ब्लैक कलर से क्योंकि उस डॉल के बाल ग्रे कलर के थे। फेस पे डिटेलिंग कर दी है, इन्हें एक लंगोट पहना दिया है और ज्वेलरी के लिए मैंने यहाँ पे ग्लिटर लगाए हैं। इनके हाथ और पैर को रेड कलर से पेंट कर दिया है। फेस पे अच्छे से थोड़े से डिटेलिंग कर दी है, टीका लगा दिया है। तो देखिए हमारे नन्हे से बाल गोपाल जी अब तैयार है। तो चलिए अब इन बाल गोपाल जी को पूतना के हाथों में दे देते हैं। और ये हमारी पूतना की झांकी तैयार है। इस जन्माष्टमी आप भी इस तरह की झांकी बनाएं, अपने घर को सजाएं और शिखा का पिटारा देखते जाएं। अगर आप लोगों को जन्माष्टमी से रिलेटेड और वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे बने रहें। मैं आने वाले दिनों में जन्माष्टमी से रिलेटेड अच्छे और प्यारे प्यारे वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो मैं शिखा आप लोगों से लेती हूँ इजाजत। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। तब तक के लिए